नमस्कार सत्यकला दोस्तों, मैं हूं सुमित भट्ट और ये मैं हूं सत्यम भट्ट और एक बार फिर आ चुके हैं हम आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ। और इस बार हम जो अपनी स्टार्टिंग लाइन जो है वो हम थोड़ी कश्मीरी में करेंगे। अस्सी लस्सी तो खुश रहियो, इसका मतलब है सब हंसो खेलो और खुश रहो। तो दोस्तों इस बार हम आ चुके हैं आपके सामने नए इसी एनर्जी के साथ दोबारा एक बार फिर नए ब्लॉग के साथ। तो इस बार जो हमारा ब्लॉग होगा वो होगा एक जो हम जा रहे हैं थोड़ा सा तीर्थ यात्रा बोल सकते हैं। तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं। सुद महादेव एक टेंपल है, बहुत ही एंशिएंट टेंपल है, सबको पता ही होगा, सब गए होंगे। तो अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आपको बता सके कि वहां पर क्या कैसे किस तरह, तो थोड़ा घूमते हैं। अब काफी टाइम हो गया, खत्म, इसके पेपर भी खत्म हो गए। इसके दसवीं के पेपर थे, दसवीं का छात्र है अब मैं ग्यारहवीं का छात्र हूँ। Respectfully. नहीं नहीं अभी नहीं है, पता थोड़ी है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, देखते हैं इसका क्या होता है। फिलहाल हम ट्रिप का देखते हैं क्या। चलो तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। क्या बोल रहे हो पापा? ऑडियंस हिंदी है पापा। अच्छा, मतलब अभी आप यहाँ पे नीचे हैं? और क्या। अच्छा, ओ शॉट उठाने के चक्कर में आधा किलोमीटर चला। और मम्मी एक्साइटेड? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। जा रहे हैं अभी, हम देख सकते हैं आप दोस्तों पुंछ हाउस तक पहुंच गए हैं। क्यों भैया? और ये एशिया का सबसे बड़ा जू जम्बू जू अभी तैयार होने लगा है, अब इसमें एक साल लगेगा, ये हमने पिछली वीडियो में बोला था। वैसे मुझे तो शक ही हो रहा है, एशिया का है सबसे बड़ा कि नहीं? तूने ही बोला था। मैंने बड़ा चढ़ाकर बोला, मसाला लगा के। अच्छा, शायद नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ का सबसे बड़ा है। नॉर्थ में रह के नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ का सबसे बड़ा है। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम यहाँ से निकलेंगे सीधा उधमपुर की ओर, उधमपुर से फिर जाएंगे चनानी, चनानी से फिर राइट साइड मूव करेंगे और वो पड़ेगा फिर हमारा सुद महादेव का रोड। नेशनल हाईवे से कितना दूर हो गए? नेशनल हाईवे से लगभग 22-23 किलोमीटर की दूरी है ये, और आजकल कह रहे हैं कि रोड भी अच्छा बना है। चलो वो तो वहाँ ही पता चलेगा, क्योंकि मैंने कल फ्रेंड को फ़ोन भी किया था तो उसने कहा कि नहीं आजकल बहुत अच्छा रोड बना है यहाँ से, हम देखते हैं सच्चाई कितनी है क्या है इसमें, उम्मीद है रास्ते में हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हिंदी से परेशान होकर हमारे सत्यम भट्ट कुछ इंग्लिश में बोलना चाहिए। आप आए कहाँ से? लंदन से कि? नो, साउथ अफ्रीका। अच्छा अच्छा, ये साउथ अफ्रीका की? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओ साउथ अफ्रीका।
एक बार फिर डर का सामना करते हुए पीछे एक सेकंड इधर 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 चल, नहीं उधर चल, इस बैलेंस हो जाएगा तेरा। गाड़ी लेके और रास्ते पे एक मोड़ आया, फिर मैं उठे दिल में छोड़ आया। हाँ देख जान क्या लगाया, जैसे क्या किया झरना? हाँ चल चल चल। घर पे भी छोड़ दिया था, यहाँ पे भी छोड़ दिया। तेरे को तो हम छोड़ के जाएंगे यहीं। अब हाँ अगली बार उतरेगा ना, इसको छोड़ देना यहीं। दोस्तों सुध महादेव से पहले हम आ चुके हैं मंतलाई, और मंतलाई में हम जहाँ पर माता शिव जी और पार्वती का विवाह स्थल जो है वहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं, अभी अंदर जाने वाले हैं। तो तब तक आप यहाँ के नज़ारे चेक करिए। क्या नज़ारे, तो यहाँ मंदिर के पुजारी जी इस मंदिर की मान्यता के बारे में हमें बता रहे थे, पर माइक कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत शोर था बाहर। और यहाँ पर ये मूर्तियाँ दिखा रहे हैं जो पार्वती माता और शिव जी की हैं, बहुत पहले निकली हुई है ज़मीन से। और इसके बाद ये पत्थर जो कि 250 ग्राम का उस समय का बताया गया और काफ़ी समय पहले निकला है, तो कुछ इस तरह से पंडित जी हमें समझा रहे थे। इसके बाद पंडित जी ने हमें इशारा किया दो नंदी महाराज की तरफ जो कि ज़मीन से निकले हैं बहुत समय पहले। इसमें से एक पंडित जी ने बताया कि 35 साल पहले निकला है और एक बहुत समय पहले, ये भी ज़मीन से खुदाई में निकले हैं, काफ़ी प्राचीन।
ये मूर्ति 35 साल पहले ज़मीन से निकाली गई है। ये पहले निकला है, छोटा वाला, छोटा वाला ये जो नंदी महाराज पहले निकले हैं और बाद में ही बड़े। तो दोस्तों अभी मांतलाय मंदिर में हमारे दर्शन हो चुके हैं पूरे, अभी हम पेट पूजा की ओर बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं अभी पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। दोस्तों ये है चटनी वाले प्याज, ये है राजमा, ये चावल है, ये चमचा है। तो दोस्तों अभी खाना खा लिया हमने, काफी स्वादिष्ट खाना था। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अब हमारे भैया बताएंगे दुकान के, तो मिलते हैं अब हम भैया से। तो भैया आप बताओ अपनी दुकान के बारे में। दुकान में नान मिलता है, राजमा चावल मिलते हैं जहाँ, और सब खाने के लिए जो भी कोई बोले। तो लोकेशन क्या है? मांतलाई। मांतलाई, ठीक है। दुकान का नाम? शर्मा वैष्णो ढाबा। ठीक है। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है और खाने के बाद मिली हमें एक 5% टॉफी। मजा आ गया। तो इसके बाद हम जा रहे हैं अब सुध महादेव, बिल्कुल डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मांतलाय मंदिर जहाँ यहाँ था उसके दर्शन हो गए, अब हम जाएंगे सुध महादेव। फिलहाल मैं टॉफी खाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ी देर के बाद।